नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, मनुष्य के विकास में शिक्षा कितनी जरूरी है ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भलीभांति जानते हैं और यही कारण है कि राजस्थान में उनके बीते 2 साल के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन काम हुआ है। चाहे नए शैक्षणिक संस्थान खोलने हो या पुराने शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर वो कोशिश की है जिससे कि राजस्थान के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गहलोत सरकार के 2 साल बेमिसाल, शिक्षा क्षेत्र में किए कई अभूतपूर्व बदलाव, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए कई बड़े फैसले, बच्चों को स्कूली बैग के बोझ से दिलाई निजात, अब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी कर रहे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई। गहलोत सरकार ने प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन सभी स्कूलों को फिर से शुरू करवाया जो पूर्ववर्ती सरकार ने कम विद्यार्थियों के नामांकन को देखते हुए बंद करवा के अन्य स्कूलों में समायोजित करवा दिए थे, क्योंकि प्रदेश में कई बच्चे ऐसे थे जो स्कूल बहुत दूर होने के चलते शिक्षा से दूर हो गए थे। इनमें बालिकाओं की संख्या सबसे अधिक थी। इसके अलावा क्योंकि शिक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इसलिए पाठ्यक्रमों में देश प्रदेश की उन महान हस्तियों की जीवनियों को शामिल किया गया जिनके बारे में पढ़कर विद्यार्थी प्रेरित होते थे। इसी तरह छोटे बच्चों के लिए स्कूल बैग का बढ़ता भार भी एक समस्या बन गया था। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के शारीरिक विकास में भी परेशानी आती है। इसे देखते हुए गहलोत सरकार ने अनुकरणीय पहल करते हुए सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे मनाए जाने का ऐलान किया। इससे बच्चों को हफ्ते में एक दिन बैग के बोझ से निजात मिली। वहीं सरकारी स्कूलों के बच्चे खुद को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से कमतर ना समझें, इसके लिए प्रदेश में पहली बार हर जिले में एक एक अंग्रेजी माध्यम की सरकारी स्कूलों यानी महात्मा गांधी विद्यालयों की शुरुआत की गई। बाद में इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को इतना शानदार रुझान मिला कि इन्हें प्रदेश के 88 ब्लॉकों में और ऐसे ही स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। साल 2020 पर कोरोना का ग्रैंड ऐसा लगा कि पूरी साल ना तो आर्थिक गतिविधियां हुई ना शैक्षणिक गतिविधियां। ऐसे में शिक्षा पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए परेशानी का सबब बन गई। लेकिन जिस राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, वहाँ के लोगों को घबराने की क्या जरूरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई ऐसी पहल की जिसमें इस कोरोना काल के बावजूद भी शिक्षा सुचारू रूप से चल पाई और विद्यार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, चाहे वो विद्यार्थी ग्रामीण तबके के हों या शहरी तबके के, चाहे वो निजी विद्यार्थी हों या फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी। कोरोना महामारी में भी सरकार ने रखा पूरा ख्याल, सुरक्षा उपायों के साथ करवाई बोर्ड की परीक्षाएं, दूरदर्शन के जरिए बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई करवाई, निजी स्कूलों के बच्चों को मिला इसका लाभ, बालिकाओं की छात्रवृत्ति रखी जा रही, नो स्कूल नो फीस अभियान में अभिभावकों के साथ डटी रही सरकार। कोरोना काल में सबसे ज्यादा असर परीक्षारत विद्यार्थियों पर पड़ा। कोरोना महामारी के बीच उन्हें अपने भविष्य की भी चिंता सताने लगी। इसे देखते हुए सरकार ने बिना बोर्ड परीक्षा वाली कक्षाओं के विद्यार्थियों को परीक्षा करवाए बिना ही अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला किया। बाद में प्रदेश के कोरोना की स्थिति कुछ नियंत्रण में आने पर पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष रही परीक्षाएं आयोजित करवाई। एक माह में ही परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए गए। इसी तरह प्रदेश के कई हिस्सों में बच्चे इंटरनेट सुविधा के अभाव में ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ले पा रहे थे। इन बच्चों का भी ध्यान रखते हुए गहलोत सरकार ने दूरदर्शन का बेहतर उपयोग करते हुए विशेष स्लॉट अलॉट करवा कर निःशुल्क पढ़ाई शुरू करवाई। बाद में इस सुविधा से निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी लाभान्वित हुए और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। लेकिन नो स्कूल नो फीस अभियान के विरोध में शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी।